जो हम लोगों का जीवन रहा है साथियों, बताना चाहूंगा 2000 में जब हम लोग कॉलेजों में प्रवेश किए उस समय रैंकिंग बहुत चला करती थी। हम लोगों ने बहुत रैंकिंग को झेला है, हॉस्टलों में भी झेला है, कॉलेजों में भी झेला है। उस समय आया हम लोग का आधार ताल, छात्र आदिवासी हॉस्टल है जौलपुर में आधार ताल, यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के प्लानिंग किया कि छात्रों के लिए एक संगठन बनाया जाए, एक संगठन तैयार हो। तो सबसे पहले GSF नाम से, गुड़वाना स्टूडेंट फ्रंट के नाम से एक छात्र संगठन का जन्म हुआ। धीरे धीरे चले हम लोग, बहुत सारी जो कमियां रहीं उन कमियों को दूर करते हुए 10 दिसंबर 2010 के दौर में दादा मरकाम जी के मुँह से सब निकला गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन। आज गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन को हम लोग देख रहे हैं, दिन गुनी और रात चौगुनी गति से चारों तरफ फैल रही है। और हम इस कली कंकालीन आया कि जो समाधि स्थल है पहांदी पारी कुपार लिंगो का जो तपोभूमि रहा, इस भूमि में उनसे हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि ये गुड़वाना स्टूडेंट यूनियन दिन गुनी और रात चौगुनी गति से बढ़े। क्यों? क्योंकि आज जिस विषम परिस्थितियों में इस देश का जो मूल निवासी समाज जी रहा है, इस विषम परिस्थितियों से अगर मुकाबला करने के लिए हम लोग शिक्षित, प्रशिक्षित, योग्य, चरित्रवान, निष्ठावान युवाओं को अगर तैयार नहीं कर पाए तो आने वाले समय में साथियों हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं।